बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मिक्सेस कुजीन। आज मैं आपके साथ कैरी के पन्ने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो कैरी। रॉ फॉर्म में जो होती है वो हम छील के इसका पील करके इसकी गुठली अलहदा कर लेंगे। और 1 किलो चीनी चाहिए, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ बिल्कुल पाउडर चाहिए पाउडर फॉर्म में, 1 टेबल स्पून काला नमक और 3 कप पानी। अब हम इसको बॉईल करेंगे। इसको पैन में डालें और इसके अंदर पानी डालते हैं। अच्छा, ये काफी खट्टी अगर आपको है लग रही है तो हम इसका एक दफा पानी एक उबाल के बाद फौरन निकाल के फिर दोबारा 3 कप पानी डालेंगे ताकि इसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाए। अगर हम उसी में इसको बनाएंगे तो हमें काफ़ी मकदार में चीनी डालनी पड़ेगी, तो हमें हर चीज़ के हिसाब से चलना है। तो हम इसका एक दफ़ा पानी थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि इसकी खटास थोड़ी कम हो जाए। अब देखिए, हम इसमें 3 कप पानी और ऐड करेंगे और इसको नरम होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये नरम हो गई है। आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आप हाथ से या चम्मच की मदद से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह और फिर हम इसको छानेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बाल वगैरह या कुछ चीज़ होती है जैसे लम्ब्स वगैरह वो अच्छी तरह निकल जाए, हमें फाइन प्यूरी हमें मिले। तो अब हम इसको छानते हैं। ये देखिए, ये इसमें से जो रॉ चीज़ें हैं वो सारी निकल गई हैं अंदर से। अब हमारे पास फाइन प्यूरी आ गई है। ये देखिए, अब हम इसको पैन में डालेंगे और इसके अंदर ये जो हमने 1 किलो चीनी ली थी वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हम इसके अंदर काला नमक और सफ़ेद ज़ीरे को पानी में मिक्स करके डालेंगे क्योंकि ये काला नमक से एकदम इसमें उबाल आता है तो वो नहीं आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पानी में। और ये देखिए, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक और ज़ीरे का पानी और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये बड़ा बेहतरीन ड्रिंक है गर्मी के लिए। ये आपको लू से बचाता है और ताजगी बख्शता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून पन्ना डालें और इसको मिक्स करें। ये आपका एक ग्लास तैयार है। को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।